बासुकीनाथ मंदिर, जहां भगवान शिव बासुकीनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। यह कहा जाता है कि जब तक बासुकीनाथ के दर्शन ना किए जाएं, तब तक देवघर स्थित बाबा बैजनाथ के दर्शन जो है वो अधूरा माना जाता है। बासुकीनाथ मंदिर झारखंड के बहुत ही पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। आप यहां देख सकते हैं कि मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में अन्य हिंदू देवी देवताओं की स्थापना भी की गई है। मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में की गई। देश के कोने कोने से आने वाले शिव भक्त पहले देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम पहुंचते हैं और भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करते हैं। हालांकि बाबा बैजनाथ के बाद अधिकांश जो श्रद्धालु होते हैं वो बासुकीनाथ ही पहुंचते हैं, और मान्यता भी यही है कि जब तक बासुकीनाथ के दर्शन न किए जाएं, तब तक बाबा बैजनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। जितने भी श्रद्धालु बाबा बासुकीनाथ पहुंचते हैं, वह अपने साथ गंगा जल और दूध लेकर बासुकीनाथ पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करते हैं। यह भी कहा जाता है कि बाबा बैजनाथ में विराजमान भगवान शिव जहां पे मुकदमों की सुनवाई करते हैं, वहीं बैजनाथ धाम से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित बासुकीनाथ मंदिर में जो बाबा विराजते हैं, वह श्रद्धालुओं की फौजदारी फरियाद सुनते हैं और उसका निराकरण करते हैं। इसलिए बासुकीनाथ भगवान को फौजदारी भगवान भी कहते हैं। बासुकीनाथ मंदिर का इतिहास भी सागर मंथन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सागर मंथन के दौरान पर्वत को मथने के लिए वासुकी नाग को माध्यम बनाया गया था और उन्हीं वासुकी नाग ने इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। यही कारण है कि यहाँ पे जो विराजमान भगवान शिव हैं, वह बासुकीनाथ कहा जाता है उन्हें। बासुकीनाथ में भगवान शिव का जो स्वरूप है वह नागेश का है। यही कारण है कि यहाँ भगवान शिव को दूध अर्पित करने वाले भक्त को भगवान शिव का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा मंदिर के विषय में एक स्थानीय मान्यता भी है। कहा जाता है कि यह स्थान कभी एक हरे भरे वन क्षेत्र से घिरा हुआ था, जिसे दारुक वन कहा जाता था। कुछ समय के बाद यहाँ पे मनुष्य बस गए, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दारुक वन पर निर्भर ही करते थे। ये जो मनुष्य हैं, वो कंदमूल की तलाश में इधर उधर वन क्षेत्र में घुमा करते थे। इसी क्रम में एक बार वासुकी नाम का एक व्यक्ति था जो भोजन की तलाश में जंगल आया था। उसने कंदमूल प्राप्त करने के लिए जमीन को खोदना शुरू किया, तभी अचानक एक स्थान से खून बहने लगा तो बासुकी जो था वो घबरा कर वहां से जाने लगा। तभी वहां पे आकाशवाणी हुई और बासुकी को यह आदेश मिला उस आकाशवाणी से कि उस स्थान पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करे। तो बासुकी ने जमीन से प्रकट हुए भगवान शिव का जो प्रतीक है शिवलिंग को पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी वहां पे। तब से वहां पे स्थित भगवान शिव बासुकीनाथ कहलाए। इसलिए जितने भी भक्त बाबा बैद्यनाथ धाम यात्रा पे निकले हैं, बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, उन्हें यह पता रहना चाहिए कि उसके बाद उन्हें बासुकीनाथ भी आना पड़ेगा, क्योंकि कांवर में जो दो डब्बे में जल रहता है वह एक जल होता है बाबा बैद्यनाथ धाम का और दूसरा जल जो संकल्प होता है वह बाबा बासुकीनाथ धाम के नाम से संकल्प होता है। अब आप लोगों को ये बता देते हैं कि बासुकीनाथ पहुंचे कैसे। अगर हम खास बासुकीनाथ के लिए निकल रहे हैं तो वहां पे कैसे पहुंचा जाए। तो बासुकीनाथ का जो निकटतम हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, वह देवघर का है, जो लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। जो बाय फ्लाइट आना चाहते हैं वो देवघर आने के बाद वहां से फिर आप ट्रेन से
और या फिर बस से बाबा बासुकीनाथ की यात्रा पर निकल सकते हैं। दूसरी सुविधा है ट्रेन की, तो उसका जो नियरेस्ट यहाँ पे बासुकीनाथ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बासुकीनाथ का खुद है और दुमका का है, जो 25 किलोमीटर की दूरी पर है, और हर छोटे बड़े लगभग शहरों से यहाँ पे ट्रेन आती है। का सबसे आसान तरीका है बाय रोड, आप यहाँ पे बाय रोड आ सकते हैं। हर छोटे बड़े शहरों से यहाँ पे बस के लिए भी और छोटी बड़ी गाड़ियों से भी यहाँ पे आ सकते हैं। आप तीनों तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं, बाय फ्लाइट जो कि देवघर एयरपोर्ट है, और ट्रेन से भी आ सकते हैं और बस से भी आ सकते हैं। रह गई यहाँ पे आने के बाद रुकने की व्यवस्था, तो यहाँ पे होटल भी है और धर्मशालाएं भी हैं जो यहाँ पे रुक सकते हैं आप। तो यहाँ पे रुकने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप समय बिता सकते हैं एक दो दिन, और उसके बाद यहाँ से फिर अपने घर की ओर जा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, और पूरी बासुकीनाथ के बारे में मैंने आपको बताया, तो कमेंट में जय बाबा बासुकीनाथ, जय बाबा बैद्यनाथ जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा बैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।